अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान अपनी तरक्की के साथ साथ इस वक्त मुख्तलिफ सितारों और सयारों पर कमंदें डालने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जमीन पर अभी भी ऐसे खित्ते मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक ज्यादा नहीं जानता। बल्कि ये कहा जाए कि इंसान इनके बारे में कुछ नहीं जानता तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे हैरत अंगेज कबाइल के बारे में बताएंगे जिनकी जिंदगी, रस्म व रिवाज और रसूमात देखकर इंसान हैरत और खौफ का शिकार हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कबाइल इस तरह की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। इनमें से कुछ कबाइल इतने खौफनाक और खतरनाक हैं कि आप कभी इनसे मिलना नहीं चाहेंगे। अलबत्ता ये तमाम के तमाम कबीले हमारे इसी स्यारे जमीन के रिहायशी हैं जिनके बारे में हमारा इल्म न होने के बराबर है। आज की इस वीडियो में हम आपको जमीन पर बसने वाले चंद ऐसे हैरत अंगेज कबाइल के बारे में बताएंगे जो अभी तक बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं और अपने ही रस्म रवाज के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले नंबर पर पापुआ न्यू गिनी का असमत कबीला है। ये पापुआ न्यू गिनी के साहली इलाके पर मौजूद मैंग्रोव के जंगलों में रहता है और निहायत दहशतनाक कबीला है। ये लोग आदमखोर हैं और बड़े शौक से इंसानी गोश्त खाते हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये लोग अपने ही लोगों का गोश्त नहीं खाते बल्कि अपने इलाके में दखल अंदाजी करने वाले अजनबियों को पकड़ लेते हैं। और इसी तरह से वो लोग जो इनके इलाके पर हमला करें, जैसे कि कोई दूसरे कबीले के लोग हों, तो उन दुश्मनों को भी पकड़कर इनका गोश्त खा जाते हैं। अपने दुश्मनों का गोश्त खाने के बारे में इनका अकीदा है कि इस तरह करने से ये अपने दुश्मनों की ताकत और इनके जिस्मों में मौजूद जहानत हासिल कर लेते हैं। अपने दुश्मनों को इस इबरतनाक मौत का शिकार बनाने से पहले कई दिन तक मुख्तलिफ रसूम का एहतमाम करते हैं और अपने शिकारों को सजा सजा कर तैयार करते हैं। यूं इनके दुश्मन कई दिन तक इंतजार की सूली पर लटकते रहते हैं। ये अपने दुश्मनों का गोश्त खाने से पहले उन्हें मारने का तकल्लुफ भी नहीं करते बल्कि जिंदा ही रखते हुए इनका गोश्त काटना शुरू कर देते हैं। ये कबीला लकड़ी के फन में बड़ी महारत रखता है और अपने रिवाज के मुताबिक ये उस रूह की शबीहें बनाते हैं जो इनके मुताबिक पूरी दुनिया पर हुक्मरान है। लकड़ी की मदद से ये बड़े फनकाराना अंदाज में मुजस्मे तैयार करते हैं। इस हवाले से ये कबीला बड़ा ही फनकार है। इसके साथ साथ ये मछलियों का शिकार करते हैं और समंदर की सैर करने के लिए कश्तियां बनाने का फन भी बखूबी जानते हैं। दूसरे नंबर पर जो कबीला है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है बल्कि हमारे ही हमसाया मुल्क इंडिया का एक कबीला है जिन्हें नॉर्थ स्टैलियंस कबीला कहा जाता है। असल में ये एक जजीरा है जो खलीज बंगाल में मौजूद है और जिसका नाम नॉर्थ स्टैलियन है। इस जजीरे पर हजारों सालों से एक कबीले का कब्जा है जो किसी भी अजनबी को अपनी हदूद में आने नहीं देते। ये लोग समंदर से मछलियों का शिकार करते हैं और जजीरे पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ अकसाम की जड़ी बूटियों और नबातात की मदद से जिंदगी गुजारते हैं। इनके पास जदीद हथियार तो नहीं है, लेकिन ये तीर अंदाजी और नेजाबाजी में खासी महारत रखते हैं। इंडियन हुकूमत ने इस कबीले को महफूज रखने के लिए यहाँ किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा रखी है ताकि बाहर की दुनिया में मौजूद बीमारियों के जरासीम इस जजीरे पर न जा सके। इस जजीरे के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर का इलाका बफर जोन बनाया गया है जिसके आगे जाने की ममानियत है। कुछ अर्सा कबल 2 माहीगीर रास्ता भटककर उस जजीरे पर चले गए थे और उस कबीले ने अपने रस्म रिवाज के मुताबिक इन दोनों माहीगीरों को पकड़कर कत्ल कर दिया था और इन्हें पकाकर खा गए थे। तीसरे नंबर पर मौजूद कबीला भी इंडिया में ही रहता है और ये इंडिया के शुमाल मशरकी रीजन में मौजूद नागा हेड हंटर्स हैं। आपने नागालैंड और वहां पे मौजूद बगावत के बारे में जरूर सुन रखा होगा। ये वही लोग हैं, लेकिन इनका कबीला बिल्कुल अलग है। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, ये अपने दुश्मनों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करते हैं और इनकी खोपड़ियां अपने पास जमा कर लेते हैं। अब तक इंडियन फौज के कई अफसरों समेत आसपास के इलाकों से इस कबीले पर हमला आवर होने वाले बहुत सारे दुश्मनों की खोपड़ियां ये कबीला इकट्ठा कर चुका है। इस कबीले के अकायद के मुताबिक इंसानी जिस्म में सर बड़ी मुकद्दस अहमियत रखता है, इसलिए ये बाकी पूरे जिस्म की बेहरमती तो कर देते हैं, अलबत्ता सर काट कर खोपड़ियां अपने पास महफूज कर लेते हैं। खोपड़ियां इकट्ठी करने के पीछे इनका अकीदा ये भी है कि यूं दुश्मनों की खोपड़ियां इकट्ठी करने से इन्हें ताकत मिलती है और ये ज्यादा बेहतर तौर पर अपने दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। चौथे नंबर पर हमारे एक और हमसाया मुल्क में मौजूद कबीला है। हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना के साउथ वेस्ट पहाड़ी इलाके में मौजूद इस कबीले का नाम मोसो ट्राइब है। मोसो कबीला पूरे चाइना में बड़ा ही खौफनाक समझा जाता है और लोग इनके अजीबो गरीब रस्म रवाज की वजह से इनसे खौफ खाते हैं, लेकिन इस कबीले के रस्म रवाज में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इंसान को कोई खतरा हो। अलबत्ता इस कबीले की जिंदगी गुजारने का तरीका बाकी पूरी दुनिया से बेहद अलग है। इस कबीले में औरतें हुक्मरान हैं जबकि मर्द किसी गुलाम की तरह हैसियत रखते हैं। कबीले के तमाम आम फैसले और दिफाई और खारजी मामलात
औरतों के हाथों में है। यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद शादी के कवानीन भी बड़े अजीबोगरीब हैं। मर्द दिन की रोशनी में खवातीन के करीब नहीं आ सकते। रात की तारीकी में मर्द अपनी खवातीन से मिलने के लिए आते हैं और सुबह होने से पहले वापस अपने घरों में चले जाते हैं। इस कबीले की इस शादी के रिवाज को वॉकिंग मैरिज कहा जाता है। इस रिवाज के मुताबिक एक औरत एक साथ जितने चाहे उतने मर्दों से ताल्लुकात रख सकती है और कोई मर्द उस पर एतराज नहीं कर सकता। तमाम बच्चे मुश्तरका तौर पर पाले जाते हैं और इन्हें इनकी माँ के नाम से पहचाना जाता है। अगले नंबर पर ब्राजील में मौजूद ढांचा कबीला है, जिसे स्केल्टन क्लान या जोराक्स ट्राइब भी कहा जाता है। ये बेहद जंगजू कबीला है और दोस्ती करना और अमनो अमान से रहना इनकी फितरत में शामिल नहीं है। ये अपने आसपास के लोगों पर हमला करते हैं और इन्हें मार देते हैं। इस कबीले की खास बात इनका अजीबोगरीब रंगों से अपने जिस्मों पर नक्शोनिगार बनाना है। ये सारा कबीला अपने जिस्मों पर इंसानी ढांचों के नक्शोनिगार बनाता है, जिसकी वजह से ये अंधेरे में बेहद खौफनाक नजर आते हैं। बाकी पूरे जिस्म पर स्याह रंग किया जाता है और सफेद रंग से इंसानी ढांचा पूरे जिस्म पर बना दिया जाता है और यूं ये दिन की रोशनी में भी खासे खौफनाक लगते हैं। ये किसी को भी अपने पास आने नहीं देते, इसी वजह से इनके बारे में बहुत कम मालूमात इकट्ठी हो पाई हैं। अलबत्ता माहरीन ने बड़ी मुश्किल से इनमें से कई अशखास का डीएनए हासिल किया था। उस डीएनए पे तहकीक करने से बड़ी अजीबोगरीब बात सामने आई। इस कबीले के जीन्स में एक ऐसा जीन मौजूद है जिसे साइंसदानों ने अब से पहले कभी नहीं देखा। इस जीन पर तहकीकात करने से मालूम हुआ कि ये दरअसल उस कबीले का अपना ही है और ये कबीला इंसानों की किसी मुश्तरका नस्ल से अलग इर्तिका करते हुए जरूर पजीर हुआ। यानी ये कबीला जदीद इंसानों से मुताबकत नहीं रखता और ये जदीद इंसानों के किसी मुश्तरका आबाओ अजदाद से अलग होकर इर्तिका पजीर हुआ है। इसके साथ साथ माहरीन का ये भी ख्याल है कि इसी अलग जीन की वजह से इस कबीले की सरिश्त में इस कदर गुस्सा और जंगजूपन है और यही वजह है कि जिसकी वजह से ये लोग दूसरे लोगों से दोस्तियां नहीं करते और अपने आस पास के हमसाये कबीलों पर भी हमला करते रहते हैं। अगले नंबर पर ब्राजील में ही मौजूद एक और कबीला है, जिसे कुंड या वाटर ट्राइब कहा जाता है। ये कबीला भी स्केल्टन क्लान से मुशाबत रखता है और इन्हीं की तरह अपने जिस्मों पर ढांचों के नक्शोनिगार बनाता है। अलबत्ता ये कबीला स्केल्टन क्लान की तरह जंगजू नहीं है और आस पास से कबीलों से दोस्ताना ताल्लुकात रखता है। अलबत्ता ये भी अपने इलाके में किसी और को आने नहीं देते और अगर कोई आ भी जाए तो उसे मार डालते हैं। इनका डांस बेहद मशहूर है और ये आपस में बड़ी अच्छी कम्युनिटी बनाकर रहते हैं और दोस्ताना मिजाज के लोग हैं। अगर इनसे बातचीत करके इनके इलाकों में जाया जाए तो इन्हें कोई एतराज नहीं होता। यही वजह है कि इस कबीले के बारे में माहरीन के पास काफी मवाद मौजूद है। शुरू में इनके जिस्मों पर बने हुए ढांचों के नक्शो निगार से लोग खौफजदा हो गए थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये बिल्कुल अलग कबीला है और इनके रस्म और रवाज भी बिल्कुल अलग है। अगर आप इस सिलसिले में मजीद ऐसे कबीलों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।